हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसडीके ब्लॉगर। दोस्तों, अगर आप लोगों की भी बाइक में 40 से 50 किलोमीटर के बाद गाड़ी पिकअप नहीं दे रहा है, या 60 किलोमीटर के बाद गाड़ी पिकअप नहीं दे रहा है, या एवरेज की समस्या आ रही है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये KTM ड्यूक है, ड्यूक 200 है। इसकी गाड़ी में जो क्लच प्लेट जो है वो पूरी तरह से घिस गई है, आप देख सकते हो इसमें वीडियो में। जो क्लच प्लेट अभी हमने रिमूव की है, वो क्लच प्लेट को देखिए वो कैसे दिख रही है, और जो नई आई है वो कैसे दिख रही है, उसमें फ़र्क देखिए। ज़्यादातर बाइक या मोटरसाइकिल में पिकअप की समस्या क्लच प्लेट के कारण ही आती है। क्लच प्लेट जो होती है वो घिस जाती है या जल जाती है ज़्यादा हाई स्पीड होने के कारण। तो क्लच प्लेट टाइम टू टाइम चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पिकअप जो है सही मिलेगा और एवरेज भी सही मिलेगा। क्लच हाउसिंग के अंदर जो होती है ये क्लच प्लेट, ये जो हाउसिंग है उसके अंदर ये क्लच प्लेट रहती है। इसमें एक फाइबर की क्लच प्लेट रहती है और एक लोहे की प्लेट टाइप की रहती है। जो फाइबर की क्लच प्लेट और मेटल की क्लच प्लेट को एक सीक्वेंस में बिठाया जाता है क्लच हाउसिंग के अंदर। क्लच प्लेट लगाते समय दोस्तों आप एक बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो इसका क्लच हाउसिंग है उसकी जो गियर है वो पूरी तरह से ओके है कि नहीं। जो कटेदार जो गियर होते हैं, वो जो गियर हैं क्लच हाउसिंग के, वो पूरी तरह से ठीक है या नहीं, ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इस अगर गियर भी कटे हों तो भी जो है आपका जो पिकअप सही नहीं आएगा। तो गाइस, आप क्लच हाउसिंग को अच्छे से देख लीजिएगा जब भी क्लच कवर रिमूव करेंगे तो, और क्लच प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट को भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्लच हाउसिंग ही गाड़ी की पूरी स्पीड को बढ़ाता है। ये जितना ज़्यादा अच्छे से स्पीड मूव करेगा उतना अच्छा पिकअप मिलेगा आपको गाड़ी में। तो गाइस, आप क्लच प्लेट ज़रूर चेंज करवाएं अपनी बाइक में टाइम टू टाइम, और सर्विस शेड्यूल में भी लिखा रहता है कि कितने कितने किलोमीटर में क्लच प्लेट जो है आपको चेंज करना है। हर कंपनी अपने शेड्यूल में क्लच प्लेट चेंज करने का एक दायरा रखा हुआ है, या किलोमीटर के हिसाब से। जैसे कि 22,000 किलोमीटर में कोई कोई कंपनियों का है, हीरो होंडा की, और बुलेट में भी करीबन 24,000 किलोमीटर के अंदर क्लच प्लेट चेंज करने का रहता है। तो आप क्लच प्लेट ज़रूर चेंज करवाएँ गाइस। और गाइस, अगर आपके पास किसी भी कंपनी की बाइक हो या मोटरसाइकिल हो, उसमें अगर पिकअप की समस्या आ रही है तो आप क्लच प्लेट ज़रूर चेंज करवाएं। और गाइस, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।